सो जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तब दुनिया को लगा भारत बर्बाद होगा। दो लगातार लड़ाइयां लड़ी तब लगा कि भारत बर्बाद होगा। भारत में आर्थिक मंदी आई तब भी लगा कि भारत बर्बाद होगा। और ऐसे ही बर्बाद करते करते इंडिया इज नाउ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल समिट यानी कि G20। या आपने सही सुना, इंडिया इज नाउ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, G20 का ये मतलब होता है कि वर्ल्ड की टॉप 20 पावरफुल कंट्रीज इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगी। ये G20 कंट्रीज वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को होल्ड करती है, 75% ट्रेड एग्जीक्यूट यही कंट्रीज करती है एंड 85% से ज्यादा GDP इन्हीं के पास है। सो दिसंबर 2022 से लेकर अगले एक साल यानी कि दिसंबर 2023 तक ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास ही रहने वाली है। ये प्रेसिडेंसी हर साल G20 मेंबर्स के बीच रोटेट होती रहती है। इंडिया से पहले ये प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास, अब है इंडिया के पास एंड अगला आने वाला जो प्रेसिडेंट होने वाला है वो है ब्राजील। G20 समिट के सारे एजेंडा पर वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन कंट्री के पास होती है। एक है प्रीवियस प्रेसिडेंट, दूसरा है करंट प्रेसिडेंट और तीसरा है फ्यूचर प्रेसिडेंट यानी कि ब्राजील। सो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड को G20 की जरूरत ही क्यों महसूस पड़ी थी। G20 से पहले G7 ग्रुप हुआ करता था यानी कि टॉप 7 कंट्रीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेवलप नेशन ही पार्टिसिपेट करते थे। एंड एज यू नो कि डेवलप नेशन मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में ही पाए जाते हैं एंड वेस्टर्न कंट्रीज आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा सेल्फिश है एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं एंड ग्लोबल इकोनॉमी से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो ये जितने भी डेवलप नेशन थे सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी के बारे में ही जानते थे एंड वो ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से इनको G20 ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी। सो जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है वो एक चेन की तरह, अगर किसी कोने में अर्थक्वेक आता है तो उसका इफेक्ट दुनिया के दूसरे किसी कोने में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसकी बिगिनिंग तो USA से शुरू हुई थी लेकिन धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। एंड अगर फैलने की बात है तो हम कोविड का नाम नहीं भूल सकते हैं। तो अगर हम कोविड को भी कंसिडर करें इसी सेम सिचुएशन में, तो वो स्टार्ट तो हुआ था चाइना से लेकिन धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट कर दिया था उसने। सो 1999 में G20 को एस्टैब्लिश किया गया लेकिन इसको सीरियसली लिया गया था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही, जब उन्होंने देखा कि ग्लोबल लीडर्स का भी इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद ही सारे के सारे G20 नेशन सीरियसली मीटिंग्स करने लगे एंड प्रोडक्टिव डिस्कशंस करने लगे थे। सो अब आप ये सोच रहे हो कि G20 काम क्या करता है, इनमें किस तरीके के डिस्कशंस होते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको सीरियसली लिया जाता है। सो अगर हम G20 के वर्क फ्लो की बात करें तो वो दो इंपॉर्टेंट ट्रैक्स पर चलता है। एक ट्रैक है यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल तो ठीक है लेकिन ये शेरपा क्या चीज है? शेरपाज आर लाइक गाइड्स। अगर आप कभी भी ट्रैकिंग करने जाओगे माउंटेन्स के ऊपर तो आपको दिखेंगे शेरपाज, वो आपको गाइड करते हैं कि किस तरफ आपको जाना है और आपको डायरेक्शन बताते हैं माउंटेन्स की। सो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल ट्रैक समझते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें दुनिया भर के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स डिस्कस करते हैं लाइक ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एटसेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह। एंड शेरपा ट्रैक में डिस्कस होती है फॉरेन पॉलिसीज लाइक एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एटसेट्रा। सो हमने अब दोनों ट्रैक्स के बारे में अच्छे से जान लिया तो हम ये देखेंगे इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलने का फायदा क्या है। सो जैसे इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली उसने ये फैसला किया कि 200 से ज्यादा मीटिंग होस्ट करी जाएंगी जिसमें 32 डिफरेंट सेक्टर्स आपस में मीटिंग करेंगे। सो अभी इंडिया प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के पास पावर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो G20 के प्रेसिडेंट के पास एक बहुत स्पेशल पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री को इनवाइट कर सकता है G20 मीटिंग के लिए। सो इंडिया ने इसी पावर का यूज करते हुए UAE को इनवाइट करा है G20 समिट के लिए। सो अब यहाँ पे UAE सिर्फ एक सिंगल कंट्री नहीं है जिसको इंडिया ने इनवाइट करा है, 7 और कंट्री है जिनको इनवाइट किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ रूबरू करवाता हूँ। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया ग्लोबल साउथ में जहाँ के इंडिया लाइक करता है वहाँ एक इंपॉर्टेंट लीडर बनकर उभरा है। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी G20 समिट में जो कि बाली में हुई थी कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है लाइक UNO, WTO, WHO ये सबके सब फेल हो चुके हैं। फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशन डेवलप नेशन के लिए एक पपेट की तरह काम करते हैं एंड ये बात झूठी भी नहीं है। अगर आपको कोविड का दौर याद होगा तो आपको WHO और चाइना के रिलेशंस भी आपको याद होंगे। सो इन प्रेजेंट टाइम इंडिया की पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी है एज पर द फॉरेन रिलेशंस एंड दिस इज द गुड साइड ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर एंड अवर डिप्लोमेट्स। सो अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो 2023 है ये जो साल आने वाला है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। इंडिया को जो प्रेसिडेंसी अपने फॉरेन अफेयर्स, गुडविल इन सब चीजों से तो मिला नहीं है, ये हम सबको पता है। ये सिर्फ एक रोटेशनल मेथड है जो G20 में यूज किया जाता है जिसकी वजह से इंडिया को भी प्रेसिडेंसी मिली है। लेकिन प्रेसिडेंसी मिलने का जो ये टाइम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां हम अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे बड़े गोल को अचीव करने की बात करते हैं और वहीं पर ही जहां पाकिस्तान और चाइना के बढ़ते एग्रेशन होते जा रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम
पॉइंट पर ये प्रेसिडेंसी मिलना काफी ज्यादा अच्छा साइन है और इंडिया इसी प्रेसिडेंसी का फायदा उठाकर अपने फॉरेन रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ और ज्यादा अच्छे कर सकता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप अभी कतार में हुआ था, ये सबको पता है, लेकिन फीफा होने से पहले मोस्टली 20-30% ऐसी पॉपुलेशन होगी जिनको पता होगा कि कतार जैसा कोई देश भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। बट फीफा कतार में होने से कतार को वर्ल्ड एक्सपोजर मिला और दुनिया भर की नजरें कतार पर आकर टिक गई। अब कतार पूरी दुनिया को अपना कल्चर दिखा सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी दिखा सकता है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा सकता है। ऐसे ही G20 जैसी बड़ी समिट का प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया को भी एक्सपोजर मिलेगा और इंडिया अपनी सारी बातें वर्ल्ड मंच पर रख सकता है। अगर आपको याद हो 2021 में वर्ल्ड मीडिया ने सिर्फ इंडिया की जलती चिताई दिखाई थी, या फिर पहले की अगर हम बात करें तो आप जानोगे कि वर्ल्ड प्रेस बस इंडिया की डार्क साइड को ही दिखाता आया है और अच्छी चीजों को कम से कम प्रेस किया जाता है मीडिया द्वारा। इंडिया की ऐसी इमेज उन्होंने बना दी थी कि इंडिया में कभी कुछ अच्छा चीज हो ही नहीं सकता है। बट द ट्रूथ इज अभी इंडिया ग्रीन एनर्जी में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे ज्यादा एडवांसमेंट लाता है और इंडिया का जो फिनटेक है वर्ल्ड में अभी सबसे ज्यादा एडवांस है। एंड जो ये वर्ल्ड मीडिया है या फिर वेस्टर्न मीडिया है हमारी एडवांसमेंट को ना दिखाकर सिर्फ और सिर्फ कमियां को ही दिखाता है। सो G20 एक ऐसा मीडियम बन सकता है इंडिया के लिए जहां इंडिया ये दिखा सकता है कि हम कितने एडवांस हैं और इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक बायर मार्केट ही नहीं है बल्कि एक ऐसा मार्केट है जहां आप कुछ भी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कर सकते हो, एक ऐसा टैलेंट हब है जिसका यूज करके आप ग्लोबल लीडर भी बन सकते हो। G20 समिट इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।